दोस्तों सैमसंग ने यहाँ पर अपने दो और स्मार्टफोन्स के लिए एक नया अपडेट रिलीज़ कर दिया है। मई के अपडेट रिलीज़ की गई है सैमसंग के दो स्मार्टफोन्स के लिए। अगर हम बात करें उस स्मार्टफोन्स की तो सैमसंग का गैलेक्सी A5 2017 और गैलेक्सी A8 2018 है। जी हाँ दोस्तों, A5 2017 और A8 2018 दोनों ही फ़ोन्स के लिए मई के अपडेट यहाँ पर रिलीज़ की गई है। और आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इस अपडेट में आखिर क्या कुछ मिला है इन दोनों ही यूजर्स को। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर A5 2017 और यहाँ पे इसके यूजर्स की, तो यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो A50FXXSECTD7 होगी आपकी फर्मवेयर वर्जन। वहीं पे अगर हम A8 की बात करें तो ध्यान रहे A8 2018 यूजर्स के लिए अपडेट है। A530FXXSECTE1 ये दोनों है फर्मवेयर वर्जन जो कि आपके फ़ोन्स में देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों इस अपडेट के चेंज लॉग की, तो इस अपडेट में आपको मिल जाती है मई महीने के गूगल के सिक्योरिटी पैच। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ खासकर सैमसंग गैलेक्सी A5 2017 में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि A5 जो है ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट कर चुका है। और आपको पता है कि जैसे ही कोई फ़ोन 3 साल कंप्लीट हो जाती है तो सैमसंग उसमें मंथली अपडेट देना बंद कर देती है, यानी कि क्वार्टरली अपडेट मिलने लगती है। और वहीं पर अगर हम बात करें एंड्रॉयड के मेजर अपडेट की, तो जो मेजर अपडेट होता है वो सिर्फ दो ही प्रोवाइड कराए जाते हैं सैमसंग की तरफ से, और ऐसा ही कुछ A5 2017 यूजर्स के साथ भी हो रहा है। तो फाइनली अब क्वार्टरली अपडेट उनको भी मिलने वाली है। और वहीं पे दोस्तों बात करते हैं A8 यूजर्स की, तो A8 में भी बस मई महीने के सिक्योरिटी पैच हैं और इसके अलावा कोई फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ देशों में इस अपडेट को फिलहाल रिलीज़ किया गया है, लेकिन बहुत सारे देशों में इस अपडेट को रिलीज़ करना अभी बाकी है। तो इंतज़ार करते रहिए और अपने डिवाइस को रेगुलरली चेक करते रहिए, अपडेट सेक्शन में जाके कभी भी आपको अपडेट मिल सकती है। यहाँ पर कुछ चेंजेज भी किए गए हैं सैमसंग की तरफ से सिक्योरिटी को लेके, खासकर अगर हम सिम चेंजिंग की बात करें तो अगर आपका फ़ोन लॉक होता था और ऐसे में जो है आप सिम चेंज कर पाते थे, तो इस सिक्योरिटी को यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है और इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अनऑथराइज सिम कार्ड के चेंज पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है सैमसंग के द्वारा इस अपडेट में। तो फिलहाल ये थी सैमसंग गैलेक्सी A8 और A5 यूजर्स के लिए इस महीने की अपडेट। और ख़ासकर अगर हम दोस्तों बात करें A5 2018 यूजर्स की, तो उनको भी बहुत जल्द ही अपडेट मिल सकता है मई के सिक्योरिटी पैच के साथ, चूँकि A5 जितने भी वेरियंट्स हैं उन सभी में एक ही साथ अपडेट मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपडेट मिला कि नहीं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की यूनिवर्स इतना ही। कोई और डिवाइस से रिलेटेड अगर आप अपडेट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।